अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नसीबे रज़ा। तो आज जैसे कि आपने देख लिया होगा कि कुकिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं है, वीडियो है कि मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, अपने अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ अपने ओवन को। तो जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, लेने से पहले पूरी दुनिया में 35% सर्च की जाती है चीज़ को लेने से पहले इंटरनेट पर। तो मैंने भी इसी उसमें डाल दूँगी वीडियो, ताकि आप लोगों को लेते हुए आसानी बढ़ जाए। जब आप ले रहे हों तो आपको कैसा मोल लेना चाहिए और इसके ऑप्शन वगैरह क्या होने चाहिए और वो किस किस काम के लिए इस्तेमाल को उनसे बेकिंग कर सकता है क्या। अच्छा, इसको शेयर करने से पहले मैं आपसे ये कहना, मेरी ये आपसे सबसे पहले एक टिप है कि अगर आप नई बेकिंग स्टार्ट की हुई और नई नई बेकिंग करने वाले हैं, तो ये जितनी भी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये चल रही हैं, ये वो तमाम पिक्चर्स हैं जो मैंने बेकिंग की स्टार्ट की, तो पतीले में बेकिंग स्टार्ट की थी, मतलब बग़ैर माइक्रोवेव बग़ैर ओवन के स्टार्ट की थी। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आप एकदम से ओवन या माइक्रोवेव नहीं ले लो, आप पहले सबसे पहले स्टार्ट करो, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब मेरा अपना ओवन था, पहले मैंने शादी से पहले तकरीबन, जब मेरी शादी 8 साल पहले की बात है, कि मैंने कुकिंग रेंज लिया था। उस टाइम ये था कि कुकिंग रेंज बेकिंग बस सिस्टम भी था उसका, और उसका जो है दो पॉट्स थे, और बेकिंग सिस्टम था, हॉट पॉट सिस्टम था, और ऊपर उसके 5 बर्नर्स थे, क्योंकि हमारे गैस नहीं है तो वो भी नहीं चल पा रहे थे बर्नर उसके सही तरह, और इलेक्ट्रिक वाले सिस्टम भी, हमने गैस वाला जब ऑन किया तो इलेक्ट्रिक वाला ख़राब हो गया। और सिलेंडर पे भी ये होता है कि उस तरह नहीं चल पाते ओवन जिस तरह आपकी दूसरी तरह गैस पे चढ़ते हैं, इसलिए आपको अगर लेना है तो आप पहले इलेक्ट्रिक ओवन लें, या तो आप बेकिंग जब आप सही एक्सपर्ट हो जाएंगे तब जाके आप अपना ओवन लें। स्टार्टिंग की तमाम बेकिंग हो सकती है, पतीले के अंदर भी मैंने 5 साल से मुसलसल बेकिंग कर रही थी, अब जाके 1 साल हुआ है कि मैंने माइक्रोवेव पहले लिया है, और उसके बाद अब जो जाके मैंने अपना बेकिंग ओवन लिया है बाकायदा। अच्छा, जहाँ तक बात है कि ये चीज़ों की, ये मैंने बगैर ओवन के बेक किए थे, और किसी भी आप पतीले में रख के उसे बेक। उसके बाद बात आ जाती है, जब आप ओवन लेने जाते हैं तो आपको ओवन वाले कहते हैं कि ये माइक्रोवेव का भी ऑप्शन है, इसमें ओवन का भी ऑप्शन है, ये सब कुछ चलाता है, ये माइक्रोवेव भी चलाएगा, ये ओवन भी चलाएगा, तो आप ये ले लें, क्योंकि ये प्राइस में ज़्यादा होता है उस नॉर्मल ग्रिल वाले ओवन के निस्बत। तो वो आपको यही कहेंगे कि ये तो आपका दो में काम करेगा, ये माइक्रोवेव का भी करेगा और बेकिंग का भी, लेकिन ये हल्की फुल्की बेकिंग के लिए हद तक तो ठीक है, हाँ केक शेक बेक हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छे से बेक नहीं होती चीज़, मींस के केक बेक हो जाएगा लेकिन आप लज़ानिया या पिज़्ज़ा वगैरह बना रहे हैं तो वो इतना अच्छे से बेक नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे आपसे ये है कि अगर आप सिर्फ बेकिंग के लिए लेना चाहें, बेकिंग के लिए की वजह से ले रहे हैं ओवन, तो आप इस माइक्रोवेव की जगह आप बाकायदा ओवन लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है। अच्छा, माइक्रोवेव का क्या होता है, क्योंकि माइक्रोवेव की जो अंदर प्लेट होती है वो गोल प्लेट होती है, तो उसमें हर किस्म की ट्रे इजीली नहीं आ सकती, और बल्कि इसका अपना पिज़्ज़ा पैन होता है, वो उसके अलावा कोई इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था इसमें। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपने सिर्फ बेकिंग के लिए लेना है तो दूसरा ओवन लेना है। तो हम चलते हैं अपने ओवन की तरफ और उसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। अच्छा, तो ये है हमारा ओवन, और ये है एनएक्स लेने का, इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फ्रेंड एक यूज़ कर रही थी इसे 1 साल से। मैंने इसका मॉडल लेना था 3070, लेकिन 3070 मॉडल नहीं मिला मुझे, तो मैंने 3071 लिया, यानी कि 3071 मॉडल, एजी 3071 मॉडल मुझे मिला, तो फिर मैंने वही ले लिया, क्योंकि वो मार्केट में आना बंद हो गया था, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो 45 लीटर है और ये जो है वो 40 लीटर है। तो इसमें और इन्होंने ऑप्शन दिए हुए, जैसे कि इसके पैक में डब्बे पर बना हुआ है ऑलरेडी, कि इसमें ये साशलिक बनाने के लिए, बारबेक्यू के लिए बाकायदा इन्होंने ग्रिलिंग दी हुई है, और दूसरा इन्होंने एक और ऑप्शन रखा हुआ है जो मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट, और जो दूसरा सेकंड ऑप्शन उन्होंने रखा है वो है कि फुल चिकन जो है ना, इसमें फुल चिकन जो है इजीली आप उसको रोस्ट कर सकते हैं फुल चिकन को। तो इसमें ये दो ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, और बाकी क्या चीज़ें इन्होंने दिया, हाँ बेकिंग रोस्ट एंड ग्रिल एंड टोस्ट इज इजीली, इसमें सब कुछ चीज़ें इन्होंने ऑप्शन बताए हुए हैं कि दिए हुए हैं, क्योंकि ये मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की थी इसकी पहले, अभी ही करने लगी हूँ आप लोगों के साथ ही। तो इसको मैं सबसे पहले खोल लेती हूँ ऊपर से। मैं इसको खोल के निकाल के आप लोगों के सामने लाती हूँ, फिर बाकी ऑप्शंस और बाकी जो इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये बड़ी कोई मुश्किल से मैंने इसको निकाल दिया, और ये अच्छी पैकेजिंग मिली थी इसकी, काफ़ी सेफ थी, और ये सारे इसके साजो सामान मिले हैं, ये भी हम खोलेंगे। और
अच्छा तो ये है जी ओवन और ये दिखने में अंदर से कुछ इस तरह है और ये है, ये डबल ग्लास ग्लास जो इसका लगा हुआ है ताकि हीटिंग टेम्परेचर सही रहे आपकी ओवन में। और इसकी एक और जो बात बहुत अच्छी लगी है मुझे कि इसके सबसे लास्ट में ना ये एक ट्रे दी हुई है ताकि आपका जो लास्ट हिस्सा है वो गंदा ना हो, उसके लिए ये एक बाकायदा ट्रे दी गई है सबसे लास्ट पे जो लगी है। और जब आप कुछ बना लेंगे अगर कुछ बिगड़ पे जाए तो वो इजीली साफ हो सकती है। अच्छा रॉड है इसके, दो रॉड नीचे की तरफ हैं और दो ही रॉड इसके ऊपर की साइड पे हैं, ठीक है। और इसके जो अंदर रखने वाली चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ आपको दिखा देती हूँ। एक तो इसकी नॉर्मल जैसे ओवन में ट्रे, एक इसकी नॉर्मल ट्रे है जो इनकी यहाँ बनाई हुई ऑप्शन इसमें लग जाती है, दूसरी इनकी ग्रिल है जैसे कि आप बेकिंग के लिए जब इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए जो है ना वो लगाने के लिए ग्रिल बनाई हुई है बाकायदा जो ने, वो ये है ग्रिल। अब इसके साथ ठहरे हैं एक, अच्छा तो एक इन्होंने ये ग्रिल दी हुई है और एक इसके साथ ट्रे मिली है और जब ये हीट हो तो उसको निकालने के लिए ये इन्होंने लिया हुआ है, इजीली आप अपनी गर्म ट्रे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ऑप्शन के साथ साथ इन्होंने इसमें जो बाकायदा पूरा चिकन जो लाइक का चौड़ा बनता है उस तरह का ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके लिए इन्होंने दी हुई है एक ये रॉड था, इधर एक हुक बना हुआ है, एक साइड से ये हुक में होगा और दूसरी साइड से ये इधर लगेगा, ऐसे हैंग होगा ये पत्ते का, इसकी दो साइडें बनी हुई हैं और ये हैंग हो जाएगा। और हैंग होने से पहले इन्होंने एक ये दो प्लेट्स दी हुई हैं, ऐसी दो प्लेट्स हैं इनके साथ और वो पहले प्लेट्स इसमें लगेगी, प्लेट्स इनके अंदर से गुजर के ऐसे ये इस तरह प्लेट्स बाकायदा हैंग होंगी। अच्छा प्लेट हैंग होंगी और इनके जो ये हैं सीखें सी बनी हुई हैं और वो इसकी डिफरेंट साइज बनी हुई है। अच्छा ये हमें मिली हैं एट सात ये पीस हैं और इसकी दो साइड्स बनी हुई हैं डिफरेंट, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा एक इसकी ये वाली साइड है, अच्छा इस वाली साइड में ये ऐसे हैंग हो जाएगा, ठीक है ये हैंग हो जाएगा और दूसरी साइड इसमें इस तरह पिन वाली बनी हुई है कि ये उस पिन में चला जाएगा। अच्छा यहाँ इसको ना इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ इन्होंने हुक्स बनाए हुए हैं और उसमें वो जो ये कैचेस दो इन्होंने दिए हुए हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ। अच्छा ये इसी तरह सात पीस लग जाएंगे, आठ जो ये हैं सीखें लग जाएंगे और बाकायदा ये पूरा राउंड शेप में इस तरह अंदर डलेगा ऐसा और ये बना हो जाएंगी और इजीली भी बन सकेंगे। अभी इसको कैचर लगेंगे, कैचर की जो पिंस हैं ये लगेंगी तो ये फिक्स हो जाएगा यहाँ। अच्छा ये कैचर इन्होंने अलग से दिए हुए हैं, ये जो ये पिंस हैं ये पिंस इस जगह पे इसके लगेंगी और ये कैचर इन्होंने जो फुल चिकन हम लगाएंगे ये प्लेट्स हटा देंगे और इसी जगह पे ये वाली स्टिक में ये वाली जगह फिक्स हो जाएगी और कैचर्स जो हैं ये दोनों हमारे चिकन में लग जाएंगे और इजीली चिकन पूरा जो है ना यहाँ ग्रिल हो। अच्छा इसके अलावा ये एक बड़ा दिया हुआ है इन्होंने इसको पकड़ के निकालने के लिए, जब आप ये वाला लगाएंगे तो इसको इजीली इस तरह क्योंकि बहुत ही गर्म होता है और छोटा उन्होंने छोटे ऑप्शन के लिए दिया हुआ है और ये बड़ा जो है ना इस तरह इजीली पकड़ के आप इसको उठा के निकाल सकते हैं तो ये ऑप्शन इसके लिए दिया हुआ है तो ये भी एक इसका एक होता सकता, ठीक है। अब होगा ये ऑप्शन, अब हम इसके बाद नॉब्स पे आ जाते हैं, इधर फोर दिए हुए हैं इन्होंने हमें, अच्छा इन्होंने फोर हमें दिए हुए हैं ये नॉब्स और इसको फर्स्ट जो है इसका वो है टेम्परेचर सेट करने के लिए, टेम्परेचर इसमें लास्ट टेम्परेचर है 250 तक हम इसको कर सकते हैं और 60 से शुरू हो रहा है 250 तक टेम्परेचर है, यूजुअली उसी में ही बन जाती है बेकिंग हमारी हो जाती है, ठीक है। ये इसका रॉड सिस्टम है, अब आपको मैं ये इसका रॉड सिस्टम है, ठीक है इसको जब इस साइड पे लेके आएंगे तो जैसे नज़र आ रहा है जस्ट ऊपर का रॉड ऑन होगा, जो इसके ऊपर के साइड के दो रॉड हैं वो ऑन होंगे जस्ट उधर से, ये जो इसके ऊपर के रॉड्स हैं और जब हम इसको इधर नीचे की तरफ लाएंगे तो जस्ट नीचे के दोनों रॉड ऑन होंगे और जब हमें इसको इस ऑप्शन पे लाएंगे थर्ड ऑप्शन पे तो ये दोनों रॉड एक वक्त में चलने का ऑप्शन है और दोनों रॉड चलेंगे और उससे नीचे जो है ना
रोटिसरी का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, जो रोस्ट होगा उसका ऑप्शन है, ऑन ऑफ का जस्ट उसको दिया है, जब हम वो लगाएंगे तो उस जब हम वो बना रहे होंगे तो उसका ऑप्शन इसने दिया हुआ है। रोटिसरी का कोई भी आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए, ठीक है। और नीचे सबसे दिया हुआ है टाइमर, कि टाइमर आप कितनी देर तक उसे बेक करेंगे, ठीक है। 10 से लेकर 60 मिनट तक इस पर टाइमर दिया हुआ है, और जैसे ही मैं टाइमर ऑन करूँगी तो हमारी जो है लाइट ऑन हो जाएगी उधर की, और टाइमर हमने सेट कर देना है जितने मिनट में सेट करना हो, और जब ये बंद होगा तो ये ऐसी बकायदा आवाज़ देगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह हम इसमें फर्स्ट बेकिंग भी आपके साथ ही करूँगी, और इसके अलावा भी मैं इसमें बेकिंग से पहले पतीले में जो हमने पहले बताया था वीडियो में, तो वो ज़रूर इंशाल्लाह केक की रेसिपी शेयर करूँगी पतीले में। जहाँ तक बात थी इसकी प्राइस की कि मैं कितने का लिया था, तो ये मैंने 13,500 यानी 13,500 का लिया था, और अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे हैं तो आपको इससे भी सस्ता मिल सकता है, क्योंकि डिफरेंट साइज वेबसाइट पर डिफरेंट प्राइस में इसकी दी हुई थी। अच्छा, इसके साथ 2 महीने थे, एक तो वारंटी कार्ड था और दूसरी गाइड बुक थी। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।